हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोटा में मीटू इवेंट का की शुरुआत हुई है, जिसको सोनल गुप्ता ने स्टार्ट किया है। मीटू इवेंट्स के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बेसिकली जैसा सोनल ने बताया है कि 100 में से 90 लोग सेक्सुअली असोल्ट होते हैं इंडिया के अंदर में, और उससे बड़ी बात यह कि सेक्सुअल असोल्ट के बाद में मोस्ट ऑफ विक्टिम जो होते हैं वो किसी भी फॉर्म असोल्ट हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी का शिकार होते हैं, लेकिन उनसे मोस्ट ऑफ लोग बाहर आके खुल के नहीं बताते। इवन दो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लगभग 70-80% लोग पुलिस तक नहीं जाते हैं, और उनमें से मैक्सिमम लोग अपने पेरेंट्स तक भी नहीं जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी की जो जनरेशन है, पेरेंट्स बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बट उनको फिर भी कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होती है। इस मुहिम की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़कियां होती है, जो कि हर चीज़ अपनी खुल के बता पाती है, आप में से ही होते हैं, लेकिन वो भी जब उनके साथ में ऐसा केस होता है तो उसमें से अपनी गलती निकालने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं उस टाइम पे वहाँ पे क्या कर रही थी, या मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे थे, मैंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट क्यों की। बट हमारा समाज या हमारा कानून ऐसी किसी भी गलती के लिए, जो कि एक लड़का करता है, किसी भी गलती के लिए सपोर्ट नहीं करता है, ये आपको समझना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपके साथ कुछ भी होता है और आप उसकी शिकायत नहीं करते हो, तो आप एक अपराध, जो कि एक क्षमा नहीं करने वाला अपराध है, इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। मैंने कई सारे केसेस देखे हैं, स्टडी किए, न्यूज़ में भी आता है, कई सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें आत्मबीती बताई गई है रेप विक्टिम की। उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत टाइम के बाद में सोशली आउट होते हैं, यानी कि एक अपराध हो चुका है एक महीने पहले, एक महीने की मानसिक जद्दोजहद के बाद में वो लड़की खुल के बोलती है। ऐसे केसेस के में मुझे निकल के आया कि लड़की को शायद अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का डर होता है या अपने फैमिली की सामाजिक प्रतिष्ठा का डर होता है, बट उसकी वो शिकायत नहीं करके वो जो रेपिस्ट है उनको बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं समाज में इस कुरीति को बढ़ावा दे रही है। बेसिकली होता क्या है, हमने भी एक वीडियो देखा था थोड़ी देर पहले, एक वीडियो देखा था जिसके अंदर में रेपिस्ट रेप करने के बाद में बोल रहा है कि मुझे पता है कि तू पुलिस के पास में नहीं जाएगी क्योंकि तू काफ़ी इज्जतदार है। इसके पहले 6 लड़कियों का जिसका हमने रेप किया हुआ है वो भी नहीं गई है, तो 7वीं तू है, और आई एम डैम श्योर कि तू इतनी समझदार है कि नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप शिकायत नहीं करके इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप दिस। अपनी शिकायतें रिपोर्ट करें, अपने लेवल पे रिपोर्ट करें, सबसे पहले फैमिली को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं उनको बताएं, और कानूनन सहायता लें। इसमें आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात सही है, शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन जब पूरी लड़कियाँ एकजुट हो ही रही है, तो जब एक लड़कियाँ एकजुट हो जाएगी तो आपको इस चीज़ में शर्म नहीं आएगी कि आपके साथ में कुछ हुआ है, क्योंकि आपकी कहीं पर भी गलती नहीं है। थैंक यू।